इनको तो और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और जितने भी ऐसे आश्रम हैं उनका जांच होना चाहिए, और जो भी बाबा यौन शोषण में लिप्त हैं उनको तो आजीवन कारावास होना चाहिए, और समान कैदी के तरफ से सुविधा मिलना चाहिए, ना कि ऐसो आराम की सुविधा मिलना चाहिए। और देश में जितने भी ऐसे आश्रम हैं, धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्म के नाम पर कला गार्ड के भगवान के नाम पर गुमराह करके, भोली भाली जनता को गुमराह करके यौन शोषण करते हैं, अपने को खुद को भगवान समझते हैं, ऐसे को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो उनके करोड़ों अनुयायियों द्वारा पंचकूला और तमाम शहरों में, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में उपद्रव किया गया है, निश्चित तौर पे यह निंदनीय है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यह किसी कोर्ट का फैसले का आदेश हुआ है। आज के राम रहीम के मैटर का कोर्ट का स्वागत करती है अखंड राष्ट्रवादी पार्टी, कि जो भी ऐसे भ्रष्ट लोग बाबा के रूप में हिंदुस्तान में हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। साथ ही इस महान भारत में जहाँ गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, दत्तात्रेय, श्रृंगी ऋषि जैसे महान संत पैदा हुए जिन्होंने सनातन धर्म को बुलंदियों तक पहुँचाया, इस महान भारत में और कृष्ण ने अवतार लिया, परंतु अब इस देश का दुर्भाग्य है राम रहीम और आसाराम बापू जैसे लोग सनातन धर्म का ठेका लेकर भ्रष्टाचार, दुराचार और अनाचार करके करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश के दुश्मन हैं, ऐसे फर्जी बाबाओं को सरकार को नजर रखनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।